हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज फिलहाल आप लोग को लेके चल रहा हूँ बल्क बिरयानी की मेकिंग में। यहाँ पर दिखाएंगे कैसे प्रिपेयर होती है, कैसे प्रेजेंट होती है, देन एक अच्छा रिव्यू करके बताता हूँ। एंड तक देखना वीडियो, पहले काफी लेयर बन पानी चुकी आएगा। तो फिर से बताइए, शांत रहो भाई। अब हम लोग दिखाने लगे मेकिंग ऑफ बिरयानी। यहाँ में आ गई इसके ऊपर प्याज, बल्क मेकिंग दिखा रहा हूँ भाई। तो ये भाई काफी अच्छी होने वाली बिरयानी स्पेशली। और टैग करो अपने उन दोस्तों को जो कि बिरयानी खाना पसंद करते हैं। साथ में इस पे आ गया तेल को चला रहा हूँ। अब ये जब तक ब्राउन नहीं हो जाती तब तक इसको चलाना पड़ेगा। ब्राउन होने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा। तो अभी कितना टाइम लगेगा भाई प्याज को पकने में? प्याज पकने में लगभग 20 मिनट तो लग ही जाएगा। 15 से 20 मिनट लग जाएगा। पानी गर्म हो रहा है। पानी कितने गर्म हो रहा है? अब उसमें चावल बॉईल करने के लिए हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं। हाँ, इसमें पानी गर्म होगा। पानी गर्म होता रहेगा, साथ में हम लोग नमक और कुछ सामग्री डालेंगे। कैसे धोया जा रहा है इसको बिरयानी में यूज करने के लिए। अच्छा। जी भाई, अब ये प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब मिर्चा डाल रहे हैं इसमें। इसमें मिर्चा आ गया। हाँ, मिर्चा आ गया। इसके बाद नमक डालेंगे, फिर इसके बाद भुनाई करेंगे इसकी। अच्छे से भुनाई करेंगे। अब हमारे ग्रेवी की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें मुर्गा डालेंगे। हमारा मुर्गा पक चुका है। अब हम इसको धीमी आंच में पकाएंगे। कितना टाइम लगेगा इसमें? अब इसको पकने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। अब इसमें हम दूध डाल रहे हैं ताकि मुर्गे में अच्छे से कलर आ जाए और ग्रेवी थोड़ा खाने में टेस्टी हो जाए। नहीं, अब हम इसमें नमक डालने जा रहे हैं। ये हमारा नमक पड़ चुका है, ये डाल रहे हैं। ये तेज पत्ता हो गया, नमक डाला था ताकि चावल में थोड़ा सा नमक आ जाए, ताकि खाने में थोड़ा टेस्टी लगने लगे। इसमें मैंने नमक डाला है, ये जीरा डाला है, ये फूल डाला है और वो तेज पत्ता डाला है जी। अब ये चिकन पक चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसे स्लो आंच में थोड़ा और पकाएंगे, उसके बाद ढक्कन बंद कर देंगे। हम चावल को पलट रहे हैं ताकि हम अपने बॉईल होते पानी में डाल सकें इसको, ताकि चावल को बॉईल कर सकें। अब इस चावल को पहले हम अच्छे से धुलेंगे, उसके बाद डालेंगे जी। ये बासमती चावल है। पानी बॉईल होने लगा है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये हमारा चावल पड़ चुका है, अब हम इसको चलाएंगे। अब ये लगभग 7 से 8 मिनट तक इसी पानी में रहेगा जी। इसको हम सिलो सिलो चलाते रहेंगे ताकि चावल एक में एक चपके ना। ये कितना किलो चावल है? ये 12 किलो चावल है। 12 किलो चावल है, 12 किलो चिकन है, 16 मुर्गा, मान के चलिए 13, 14 किलो चिकन, 14 किलो चिकन, 14 किलो चिकन के साथ 12 किलो चावल चिकन जी। आप लोग देख रहे हैं उबाल आना चालू हो गया है। भाई ने बोला कुक हो जाएगा ना जी। चावल थोड़ा उठा के खाओगे? बिल्कुल। हमारा चावल बॉईल हो चुका है, अब हम इसको इसमें निकाल रहे हैं। अब पानी निकलना चालू हो गया, चावल साथ में कुक कर दिया जाएगा। और इसकी मेहनत हो रही तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, काफी गर्मी हो रही है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और भी की मेकिंग देखना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो। चुका है, अब हम इसको साइड में रखेंगे। अच्छा, जिससे इसमें जो बचा खुचा पानी भी हो वो निकल जाए।
हाँ पानी पहले निकल गया, अब लगभग इसमें को हम यहाँ पे 5 मिनट रखेंगे। अब हम तेल को निकाल रहे हैं बाहर, तेल इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ऊपर से चावल पे मारे, ताकि चावल में थोड़ा साइन आ जाए। इसको रोगन भी बोलते हैं ना? जी इसको ग्रेवी बोलते हैं, तीरा बोलते हैं। अब हम इसमें ग्रेवी नीचे डालने जा रहे हैं ताकि चावल ऊपर से डाले, ताकि चावल में अच्छे से ग्रेवी मिक्स हो सके। हमारी ग्रेवी पर चुकी है, अब हम इस पे चावल डालेंगे। अच्छा चावल जाएगा इसमें। मसाले डाल रहे हैं। कौन से मसाले? ये हमारे यहाँ का मसाला है, गरम मसाला। अब हम इसके ऊपर पीस डालेंगे। ये पहली लेयर लग रही है ना? जी ये पहली लेयर लग रही है। जावित्री का मसाला डालेंगे जिससे थोड़ी खुशबू आने लगे। इसमें कुछ आपके मसाले भी मिले रहते हैं? जी कुछ हमारे मसाले भी रहते हैं इसमें। नहीं मार्केट वाला मसाला हम नहीं यूज करते हैं, हम लोग जो मसाला यूज करते हैं यहीं पे बनाते हैं। ये अब हम इसके ऊपर चावल डालने जा रहे हैं। हाँ अब हम इस पे पूरा चावल डाल देंगे। ये चावल बराबर हो गया, अब हम इस पे कलर डालेंगे। अब ये रंग डालते कलर पड़ चुका है, अब हम इसके ऊपर अपने यहाँ बना हुआ मसाला डालेंगे। अच्छा फिर से इस पे डबल लेयर पे मसाला जाएगा जो आपने बना हुआ है। इस मसाले में क्या कितनी चीजें रहती है? इस मसाले में बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे स्टार फूल और जावित्री, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, सारे मसाले। हमारा मसाला पड़ चुका है, अब हम इसके ऊपर फिर से ले डालेंगे जिससे थोड़ी खुशबू आने लगे। ये हमारा केवड़ा पड़ चुका है, तीरा सब शुरू में निकाले थे उसको डालेंगे। ये क्या काम करता है निकाले थे? ये तीरा है जो कि चावल को साइन देता है, चावल अच्छा दिखता है। अच्छा। और चावल सॉफ्ट भी हो जाता है इससे। अच्छा ये अब डायरेक्ट उस पे आज पे नहीं जाएगा? जी आज पे नहीं जाएगा, ये मसाला बिरयानी है। अच्छा ये मसाला बिरयानी अब जी डायरेक्ट हम लोग की प्लेट पे आएगी? जी। हाँ भाई बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। बिरयानी बन गई? जी ये मसाला बिरयानी भी बनकर तैयार। तो हाफ दे रहे हो? एक सिंगल एक हाफ इधर से देना यार। बिरयानी की मेकिंग तो आप लोग ने देख ली थी, बल्क में बिरयानी थी, साथ में भाई हम लोग ने लिया टेस्टिंग पोर्शन। हाँ भाई टेस्टिंग पोर्शन लिया, साथ में भूख बहुत जोरों की लगी थी तो पहले भाई पीस को खा लिया। इससे पहले वाली क्लिप अगर आप लोगों ने देखी होगी वीडियो तो उसमें प्रॉपर नॉनवेज हब दिखाया था इनका, तो भाई पीस देख काफ़ी अच्छा रहता है। साथ में भाई देसी लोग हैं तो देसी तरीके से खाएंगे, साथ में इसके लिए रायता ऊपर से। भाई हम लोग की बिरयानी तैयार, आप पहली बाइट लेते हैं। जो जो प्रिपरेशन में देखा था भाई वैसे ही फेल आ रहा है, प्रॉपर मसालों का फेल है। अगर आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हो तो आप स्विगी जोमैटो से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक फ्लैश हो रही होगी, बाकी मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कैसी लगी वीडियो लाइक कमेंट शेयर करके बताना, अपने 3 दोस्तों को टैग करना मत भूलना। मिलते हैं नए नेक्स्ट फूड टूर पे, तो है